आज यानी कि 9 सितंबर 2014 आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती है। इस अवसर पर भारत में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी मौके को ध्यान में रखकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा मंगलवार को राजधानी दिल्ली के श्री फूड ऑडिटोरियम में साल 2011 और 2012 के भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार समारोह में पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जेएस माथुर और एडिशनल सेक्रेटरी श्री अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मुझे जब बताया गया कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का, क्योंकि जिनका हिंदी साहित्य में एक ऐसा ध्रुव जैसा स्थान है कि वो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने वो शुरुआत की, एक ऐसी पहल की कि आगे फिर पूरी हिंदी साहित्य की एक गंगा बहने लगी। तो ये जो काम उन्होंने किया, जो एक नए तरीके से एक शिलाधार का काम उन्होंने किया, और इसलिए जब मुझे कहा गया कि 9 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है तो आपको इसके आसपास कभी भी जब सुविधा है तो हम कार्यक्रम करेंगे, मैंने कहा क्यों, हम तो उसी दिन करेंगे जब वो जन्मे, उसी दिन उनका स्मरण करेंगे और उसी दिन उनकी उससे प्रेरणा लेंगे, उसी दिन उनसे प्रेरणा लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार वितरण समारोह में पत्रकारों और लेखकों को भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित होना एक बड़े गौरव का विषय है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के हमारे पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर प्रारंभ किया गया ये पुरस्कार, जिसके लिए ये समारोह आयोजित होता है, पिछले 31 वर्षों से निरंतर दिया जाता रहा है। पत्रकारिता, बाल साहित्य और महिलाओं से जुड़े मुद्दों तथा राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अच्छे लेखन को बढ़ावा जो दिया जा रहा है प्रकाशन विभाग के द्वारा इस पुरस्कार के माध्यम से, ये वाकई एक बहुत ही उत्तम चीज है जो प्रारंभ करी गई है। गौरतलब है कि पत्रकार और लेखकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा हर तरह के सफल प्रयास किए जाते रहे हैं।